दोस्तों, अगर हम सूरज की बात करते हैं तो सूरज हमारी धरती से 3 लाख गुना बड़ा है। सनलाइट को हमारी धरती तक पहुंचने में एवरेज टाइम लगभग 8 मिनट 17 सेकंड लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक सनलाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो सूर्य की सतह का तापमान लगभग 5,500 डिग्री सेल्सियस है। अब अगर चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा हर 27.3 दिनों में पृथ्वी का चक्कर लगाता है। अगर डिस्टेंस की बात करें तो पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी 384,403 किलोमीटर है, और वहीं जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तब इसकी दूरी घटकर 363,104 किलोमीटर रह जाती है, और जब पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूर होता है तो बढ़कर 405,696 किलोमीटर हो जाती है। दोस्तों, ग्रेविटी के इफेक्ट की बात करें तो हमारी धरती की तुलना में चंद्रमा पर लगभग 1/5 है, यानी कि सिर्फ 17%। दोस्तों, टेम्परेचर की बात करें तो चंद्रमा दिन में बहुत गर्म होता है, लेकिन वहीं रात में बहुत ठंडा होता है। जो मून का एवरेज टेम्परेचर है वो है 107 डिग्री सेल्सियस, और रात में -153 डिग्री सेल्सियस रहता है। और चंद्रमा पर पैर रखने वाले व्यक्ति के बारे में तो लगभग हम सब जानते हैं, वो थे नील आर्मस्ट्रांग। Thank you.